मेरा नाम है हर्ष भाई। आज हम जा रहे हैं गाड़ी में छोटे मोटे काम करवाने, जैसे कि स्पॉइलर वगैरह और शीशों पे हल्की हल्की फिल्म और टेल लाइट पे भी फिल्म चढ़वानी है पीछे, तो ये सब काम करवाएंगे जाके। तो हम जा रहे हैं भाई बंटी कार एक्सेसरीज, ठीक है। तो अभी दुकान पे पहुंच के दिखाता हूँ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं दुकान पे और अंकल जो अभी सामान वगैरह सेट कर रहे हैं, वहाँ हमने गाड़ी कर दी अपनी गाड़ी। अभी निकालेंगे, स्पॉइलर वगैरह लगाएंगे और देखते हैं बाकी क्या क्या होता है गाड़ी में। तो ये रहा इट इज़ अपना स्पॉइलर, और इधर ये इसके नट बोल्ट है सारे। और यहाँ पर देखो पीछे की तरफ दिखाऊँ ना, तो यहाँ 3M टेप लगी होती है पीछे की तरफ, तो 3M टेप से मैं चिपका तो इसे रहा नहीं हूँ अभी। और वो बता दूँ देखो क्यों, क्योंकि गाड़ी में है ना पीछे की तरफ डिग्गी पे है इसका एक डेंट, ये देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ना। तो भाई अगर मैं इसे चिपकवा दूंगा तो कल को है ना जब इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे तो वो तरने में दिक्कत देगा। और अगर मैं इस अगर यूँ सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर भी लगवा दूँ तो भाई ये पूरा ढक जाएगा, तो जब इसे पानी जाएगा ना तो जंग और ज़्यादा फैलता रहेगा अंदर ही अंदर। तो इसलिए मैं इसे चिपकवा नहीं रहा, सिर्फ नट बोल्ट कसवा दूंगा ऊपर से, बस बात बन जाएगी। और जब कल को जब डेंटिंग पेंटिंग होगी तो आसानी से फिर ये स्पॉइलर उतर भी जाएगा, फिर इसकी टेप चिपकवा देंगे, ऐसा करेंगे। और यहाँ की तरफ इसमें दो ऊपर की तरफ पेच है, एक यहाँ लगेगा और एक दूसरा यहाँ। एक छोटा सा चेंज है, यहाँ से है ना नट नहीं लगवा रहे, क्योंकि यहाँ से अगर नट लगेगा तो डिग्गी में छेद करवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्लिप्स आती हैं इस तरह से, इसमें अटती हैं और अंदर डिग्गी में लग जाती हैं। सेम उसी तरह उस देखो दो हैं ना, एक वहाँ और एक नीचे, उसी तरह से यहाँ पर भी होएगा, एक ऊपर और एक यहाँ पीछे की तरफ दिख रहा होगा, होल है ना एक, एक मिनट फोकस, ये देखो एक यहाँ और एक यहाँ लगी चुकी है, उसी तरफ दो वहाँ और दो यहाँ। तो भाई यहाँ पर अपना फिट हो चुका है स्पॉइलर, ये देखो दिख रहा होगा। पीछे से अगर लुक दिखाऊँ तो देखो जिस तरह की लुक आ रही है गाड़ी की, बाकी सब कुछ दिखाता हूँ बाद में। बैक लाइट्स के लिए जो फिल्म है वो हमने ये वाली सेलेक्ट करी है, ये एकदम लाइट फिल्म है, ब्लैक जैसे कि दिख रहा होगा, वैसे कैमरे में नहीं दिख रहा, इतनी भी लाइट नहीं है, ये देखो इतनी भी लाइट नहीं है जितनी कैमरे में दिख रही है, आंखों में डार्क है ये। देखो एक तरफ जो है चढ़ चुकी है, डिफरेंस देख लो दोनों में, इसमें और इसमें। अब इस वाले में और चढ़ाएंगे। तो फिर भाई काम तो गाड़ी में करवा लिया है, अब फाइनल रिस्पांस दिखाऊंगा शाम को, क्योंकि अभी दोपहर ज़्यादा हो रही है और गाड़ी भी भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अभी घर जाऊंगा, गाड़ी धोऊंगा, उसके बाद शाम को आऊंगा, तब दिखाऊंगा फाइनल लुक गाड़ी में क्या है। हाँ जी भाई, तो फिर स्पॉइलर और बाकी सब काम करा कर हम जो है आ चुके हैं, और स्पॉइलर लगवाए हुए स्पॉइलर लगवाए हुए 2 दिन जो है मुझे हो चुके हैं। और 2 दिनों में मुझे है ना इसकी 2 चीज़ें पता लग गई है कि स्पॉइलर का देखो मेन का काम क्या होता है। सबसे पहला तो हो जाता है लुक, देखो लुक देखो गाड़ी की एनहांस हो गई। और दूसरी चीज़ ये भाई गाड़ी की देखो वैगन आर है, हाइट अच्छी खासी है, घर पर ले जाए खड़ी कर दो, इस पर पोछे लत्ते कपड़े वो सब सूखने हैं इस पर। 2 दिन हो गए, 2 दिनों में मुझे इस पर कपड़े ही कपड़े टंगे नज़र आते हैं। अब ये तो हो गए भाई मजाक की बात, अब अलग बातें करते हैं। ये वही टेप है जो मैंने दिखाई थी ट्रांसपेरेंट, ये तब देखो लाइट लग रही थी, लेकिन अब देखोगे ना शाम का टाइम हो चुका है तो देखो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही है। वैसे इतनी भी डार्क नहीं है, देखो कैमरे में कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई है। एक सेकेंड जरा मैं, अब देख रहे हो इतनी भी डार्क वैसे है नहीं है, रात के टाइम जैसे जैसे रात होती जाएगी ना ये और भी ज़्यादा डार्क होती जाएगी। आपको यहाँ पर फ़ोटो जो है दिख ही रही होगी। और अगर साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से जो करवाई है भाई, एक चीज़ जो मैं एक और चीज़ बताता हूं, फ्रंट के जो इंडिकेटर्स हैं ये भी जो है मैंने ब्लैक करवाए हैं, यहां का भी ब्लैक और साथों साथ ये वाला भी ब्लैक। और एक चीज़ और, बच्चा पता ना क्या यहाँ करंट लिख के चला गया, दिख रहा होगा कैमरे में ना दिख रहा, पूरा अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और साइड प्रोफाइल में देखो अगर मैं बताऊँ तो
एक और बार देखो, मैं लाइट कम करके दिखा देता हूँ ज़रा। देखो विंडोज़ जो है एकदम ब्लैक हो जाती है, एकदम मस्त लुक आती है गाड़ी की। और एक चीज़ जो है ना भाई, मैं करवाने देखो भूल गया, वो है इसके पिलर्स। अगर पिलर्स ब्लैक हो जाते ना, सही में मज़ा आ जाता। पिलर्स ब्लैक करवाने में भूल गया इसके। और लाइट का जो है आप इस तरह से देख लीजिए, ये देखिए इस तरह की जो है पीछे की टेल लाइट्स लग रही हैं। तो फिर भाई अब मेन बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की, कि कितना खर्चा इसमें आया है। तो हर एक चीज़ का आप देखो बताता हूँ। ये स्पॉइलर पड़ा है 2200 रुपये का, और जो लाइट्स हैं इसकी रैपिंग पड़ी है 200 रुपये की। ये और ये देख लो एक बार फिर से, ठीक है। और बात करें अगर विंडो कर्टेंस की, इनों की, तो ये कर्टेंस एक बार दिखाता हूँ। देखो अंदर से, ये पीछे के दरवाजे की है ना, देखो यहाँ तक है ये हाफ सीजे तक। एक सेकंड उतारता हूँ। तो फिर ये देखो, ये यहाँ तक की थी हाफ, यहाँ तक की। पीछे की तरफ जो है फिल्म चढ़ी हुई है। आगे की तरफ की अगर बात करूँ तो आगे की तो यहीं तक की है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पर फिल्म चढ़ी हुई है, जो छोटा वाला मिरर है ना यहाँ पे। अब फिल्म का देखो मैं एक और बात बताता हूँ। हाँ, कर्टेन का पहले प्राइस बता देता हूँ। कर्टेन का जो प्राइस है वो 300 रुपये का है। चारों शीशों के आपको 300 रुपये के मिलेंगे। अब फिल्म की जो है यहाँ ये जो लगी है, और ये अगले शीशे के ऊपर ये जो यहाँ पर लगी हुई है छोटे वाले पे, इसका जो है वैसे 100 रुपये में है ना, दोनों के दोनों हो गए थे। लेकिन भैया ने बोला कि ये वाला नहीं हो पाएगा, मैं ये वाला कर दूँगा पीछे वाला। तो मैंने कहा काम करो आप काट के दे दो, मैं खुद कर लूँगा इसको। तो मैं काट के ले आया, 50 रुपये में मुझे पड़ेगी। ये भी लिया, ये भी लिया, आगे वाली दोनों में मैंने छिपका दी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो थोड़े थोड़े से जो है बबल्स आए हुए हैं, लेकिन वो दूर से उतने दिख नहीं रहे। एक मिनट, यहाँ पे वो कर्टन चढ़ा देता हूँ। तो फिर भाई कर्टन चढ़ाने का भी देखो बहुत फ़ायदा है। देखो मैं बताता हूँ, मैंने मेनली किस लिए चढ़ाए हैं, बस इसलिए क्योंकि गाड़ी में है ना धूप वगैरह से के लिए चढ़ाए हैं मैंने। और गाड़ी में देखो ना भाई, काफ़ी अंधेरा हो जाता है एकदम, वैसे तो और पर दिख रहे हो। और भाई एक चीज़ और देखो, मैं फिल्म के बारे में बताता हूँ। इसके नॉर्मल फिल्मों में क्या होता है, आर पार है ना दिख जाता है, इसमें क्या है भाई कुछ आर पार ही नहीं दिख के देता। ये देखो कैमरा अगर बिल्कुल पास लेके जाऊँगा ना, देखो एक तो रेड कलर की है, आर पार भाई इसको कुछ भी नहीं दिखता, एकदम ब्लैक है बिल्कुल, आर पार इसको कुछ नहीं दिखेगा। पहले तो मुझे ना मतलब दुकान पर ही लग रहा था, बाहर से तो चलो अंदर का दिखता ही नहीं है, अंदर से बाहर का दिखेगा। इसमें तो भाई ये देखो कुछ दिख रहा है, एकदम मिरर रिफ्लेक्शन है, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये गलती होगी, मैं शायद इसको चेंज कर दूंगा। और स्पॉइलर की अगर मैं फिटिंग के बारे में बताऊं तो एक बार ऊपर से देख लो फिटिंग, और डिग्गी खोल के भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पर लगाई हैं क्लिप्स, ये देख रहे हो, ये क्लिप्स लगाई हैं। यहाँ जो ऊपर होल है ना, यहाँ पर नट बोल्ट भी लग सकते हैं, लेकिन डिग्गी में छेद हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ जब इसका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा ना, और अगर आप यूँ सोच रहे हो कि ये जो गैप है जो हल्का दिख रहा है ना, ये इसकी वजह से, टेप की वजह से, क्योंकि टेप चिपकी नहीं है ना, ये देखो, अगर ये देख रहे हो टेप अंदर वो चिपकी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा गैप है। तो जब इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे ना, यहाँ का जब डेंट वो निकल जाएगा, तो ऊपर से छेद करवा के इसको कसवा के चिपकवा देंगे। अब देखो डिग्गी खोल के एक और बार दिखा देता हूँ। तो फिर भाई ये देखो डिग्गी खोल कर जो है इस तरह की कुछ करिए फिटिंग। चार चार नट लगाए हैं ये क्लिप्स के ऊपर। ये क्लिप जो है स्पॉइलर में ही आती हैं, स्पॉइलर का सारे लोग सारे क्लिप वगैरह नट वगैरह सब कुछ आता है उसी में, ठीक है। हर चीज़ का प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ठीक है भाई। और साथ ही में इसका जो फ्यूल भरने का यहाँ से होता है, सीएनजी वगैरह भरने का, ये भी जो है मैंने ब्लैक करवा रखा है। ये नॉर्मल ब्लैक नहीं, आपको दिख रहा होगा कार्बन फाइबर है, ये देख रहा है, ये कार्बन फाइबर ब्लैक करवाया। और पिलर जो है, पिलर भी ब्लैक करवाऊंगा, मुझे याद नहीं रही, लेकिन बाद में इन्हें ज़रूर ब्लैक करवाऊंगा, ठीक है, ताकि ये ना पूरी ब्लैक लुक बन जाए। फोटो में तो आपने देख ही लिया होगा, एक और बार फिर से देख लो फोटो। फ्रंट लुक एक बार दिखाऊँ तो इस तरह की जो है गाड़ी कुछ लग रही है। वैसे फ्रंट में काम थोड़ी कर रहा है, करवाया तो बैक में है ना, एक और बार बैक लुक देख लो।
तो और भाई दुकान का जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है बंटी कार एक्सेसरीज़, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पर भी फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा। तो और भाई ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि गाड़ी कैसी लग रही है। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो गाड़ी के मॉडिफिकेशन के लिए। मिलते हैं और नई वीडियो में, गुड बाय।